अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 25 to 30। तो पेज नंबर 25 पे सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन से हम स्टार्ट लेंगे। 6 2 0 6 2 4 5 9। तो सब्ट्रैक्शन जो है एडिशन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि बड़ी रकम को ऊपर लिखेंगे, ग्रेटर को, और स्मॉलर को नीचे लिखेंगे। और जब हमने माइनस करना है तो भी इस बात का ख्याल रखना है कि कभी भी स्मॉलर से ग्रेटर को हम माइनस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला ही ये 6 है या 9 है। अब 6 माइनस 9 तो नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो फिर यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ से कैरी जाएगा, यहाँ से 1 कैरी गया, तो ये हो गया 10 और ये रह गया 1। अब इस 10 से एक कैरी जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 16 और यहाँ पे रह गया 9। अब ये हो गया 16, तो 16 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 7। ओके क्लास। अब यहाँ पे रिमेनिंग था 9, 9 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 4। ओके क्लास। अब यहाँ पे 1 था, तो 1 माइनस 4 तो नहीं कर सकते, तो 6 से 1 कैरी जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे रह गया 5 और यहाँ पे हो गया 11। 11 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 7। ओके क्लास। अब यहाँ पे था 5 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 3। तो 3 7 4 7 इसका आ गया आंसर। तो इसी चीज़ को आपने फॉलो करते हुए ये पूरा पेज जो है वो सॉल्व करना है। कुछ भी जो है वो डिफरेंट नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके क्लास। अब पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 पे आ गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको प्रॉब्लम को रीड करना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको इंडिपेंडेंटली अगर कोई आ जाती है स्टेटमेंट तो आपको पता चल सके कि ये एडिशन की है या सब्ट्रैक्शन की है। तो हम रीड करते हैं। अ पब्लिक लाइब्रेरी हैज 5,766 बुक्स इफ 3,487 बुक्स आर इंग्लिश, हाउ मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी विल बी इन उर्दू। तो अब उसने टोटल बुक्स भी बता दी हैं और साथ एक टाइप बता दी है कि इंग्लिश की कितनी है। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कि उर्दू की कितनी है। तो इसका मतलब है कि हमें टोटल में से इंग्लिश वाली लेस करनी पड़ेगी तो पता चलेगा कि उर्दू की कितनी है। तो पहले हम ऊपर लिखेंगे टोटल 5,766, ये हो गई टोटल बुक्स। अब उसमें इंग्लिश की हैं 3,487। तो इनका डिफरेंस लेंगे तो हमें पता चलेगा ना, जो बाकी रिमेनिंग है वो उर्दू की हैं। तो फिर वैसे ही 6 माइनस 7 नहीं हो सकता, तो यहाँ से कैरी जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 16 माइनस 7 करेंगे तो 9। ओके क्लास। अब 5 माइनस 8 फिर नहीं हो सकता, तो यहाँ से कैरी जाएगा, तो यहाँ पे 6 रह जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 माइनस 8 करेंगे तो 7। अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2। तो 2,279 बुक्स जो हैं वो उर्दू की होंगी। ओके क्लास। एक और कर देते हैं रैंडम, बाकी आपने स्टेटमेंट को लाजमी रीड करना है। इफ द सम ऑफ द नंबर टू नंबर्स इज 7,786, वो कह रहा है कि टू नंबर्स हैं उनका सम किया तो वो आया 7,786। तो वन नंबर जो है वो है 2,268। एक नंबर ये है तो दूसरा क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल आसान सी लॉजिक है कि टोटल दिया हुआ है और एक डिजिट जो है वो उन्होंने हमें दे दी और दूसरा पूछा है कि बाकी कितना होगा। तो दिस माइनस दिस, तो टोटल में से हम जो नंबर गिवन है उसको लेस कर देंगे तो हमें बाकी पता चल जाएगा कि कितना बचा। अब फिर अगेन 6 माइनस 8 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 16, तो 16 माइनस 8 करेंगे तो 8, 7 माइनस 6 करेंगे तो 1, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5,
सेवन माइनस टू करेंगे तो फाइव, तो 5518 यानी 5518 जो है वो रिमेनिंग रह जाएगा। ओके क्लास, तो ये थे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। आपके पेज नंबर 27 की एक्सरसाइज में उन्होंने कुछ मल्टीप्लिकेशंस दी हुई हैं, आपने सिर्फ उनके आंसर लिखने हैं इस तरीके से। ओके क्लास, ऐसे तो इनमें आपने टेबल पढ़ के इनको आंसर करना है। तो 4 8 या 8 4 32, 10 7 70। अब 10 का टेबल 7 तक पढ़े या 7 का टेबल 10 तक पढ़े, एक ही बात है। 3 5 15 या 5 3 वो भी 15। तो मल्टीप्लीकेशन में भी एडिशन वाला रूल चलता है कि हम ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं, पहले बाद में और बाद वाला पहले लिख सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में हम तरतीब को, अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकते, उससे आंसर हमारा टोटली रॉन्ग आएगा। तो ये था पेज नंबर 27। 28 के ऊपर टेबल्स हैं 11 12 13 और 14, वो आपने याद करने हैं। और पेज नंबर 29 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन के, तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। देखें तरतीब अगेन वही, राइट टू लेफ्ट। तो फर्स्ट डिजिट को पकड़ना है और इन सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई करके लिखते जाना। तो 7 2 14, 14 का क्या लगेगा 4 और 1 जाएगा कैरी। अब इसको इसमें ऐड नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड करेंगे। ओके तो 7 1 7 प्लस ये कैरी 8, तो 8 84। तो इस तरीके से हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ओके क्लास, अब ये 1 डिजिट हैं और अगले लास्ट पेज पे, पेज नंबर 30 पे 2 डिजिट्स हैं। तो 2 डिजिट्स को भी हम इसी तरतीब से मल्टीप्लाई करेंगे, 61 एंड 10। अब देखें इसको पकड़ेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 1 0 0 0 6 0। ओके क्लास, अब जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगा देना, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना, फिर इसको पकड़ के मल्टीप्लाई करना, 1 1 1 1 6 6। अब इसको वर्टिकली ऐड करते जाना, 0 0 0 1 1 6 6, तो 6 10। इस तरीके से ये आपके पेज नंबर 30 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्लास, तो ये आपके इस कोर्स के, इस प्लान के तमाम पेजेस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इनको आपने कंप्लीट कर लेना है, प्रैक्टिकली अपनी कॉपीज़ के ऊपर इनको हल कर लेना। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।